हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। कार इंट्रो में आप लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वैगनार LXi 2007 मॉडल। सो फ्रेंड्स, आज हम इसके ऊपर मैं आपको ओनरशिप रिव्यू दूंगा। ये फ्रेंड्स मेरी खुद की गाड़ी है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है और इसकी क्या परफॉर्मेंस थी। सो इसके ऊपर जो भी मैंने जितना भी स्पेंड किया, मैं आपको सारा इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड बताऊंगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे पहले कार के फ्रंट प्रोफाइल से। सो फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने को गाड़ी कुछ ऐसे मिल जाती है, जिसके अंदर आपको सामने देखने को ग्रिल मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस पे आपको सामने सुजुकी का बैच देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सो आपको यहाँ पे जो आपको स्ट्रिप्स मिलती है फ्रेंड्स, वो आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलती है। और जो रस्ट, जिस पे रस्ट लग चुका है, आप लोग चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर रस्ट लग चुका है और ये आपको सिर्फ वो अपर पोर्शन के अंदर ही देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये लोअर पोर्शन में आपको देखने को नहीं मिलती। सो अब हम बात करेंगे गाड़ी के बम्पर की। सो फ्रेंड्स, इस गाड़ी के अंदर जो आपको बम्पर देखने को मिलता है, वो फ्रेंड्स आपको बॉडी कलर बम्पर देखने को मिलता है। नीचे आपकी फोग लैंप्स की बात करते हैं और रेडिएटर ग्रिल की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, रेडिएटर ग्रिल आपको इसके अंदर देखने को मैट ब्लैक में देखने को मिलती है। फोग लैंप्स जो आपको इसके अंदर देखने को ही नहीं मिलते, क्योंकि इस मॉडल के अंदर फोग लैंप्स एज अ ऑप्शन हुआ करते थे फ्रेंड्स। इसको आप इंक्लूड करा सकते थे एसेसरीज के अंदर। और हम लोग बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट की। सो फ्रेंड्स, ऊपर आपको देखने को इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, नीचे इधर आपको फ्रेंड्स देखने को हेडलाइट देखने को मिल जाती है, इधर आपको पार्किंग लाइट देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं गाड़ी के बोनेट की। सो फ्रेंड्स, बोनेट के ऊपर आप लोग देख ही सकते हो कि क्या हाल हो चुका है गाड़ी का। फ्रेंड्स, ये पेंट गाड़ी का कैसे हो चुका है। ये 2007 मॉडल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। सो फ्रेंड्स, आप लोग चेक कर सकते हो गाड़ी की क्या कंडीशन रह चुकी है। सो अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल से गाड़ी कैसे दिखती है। सो फ्रेंड्स, साइड प्रोफाइल से गाड़ी कुछ आपको देखने को ऐसे मिलती है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल सामने देखने को ORVM देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ORVM आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है, विद डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक कलर देखने को मिलते हैं। इधर फ्रेंड्स, जो लोअर पोर्शन है, ये भी आपको ब्लैक देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं गाड़ी के रूफ रिल्स की। सो फ्रेंड्स, रूफ रिल्स भी आपको ब्लैक देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी कंडीशन आप गाड़ी की चेक कर सकते हो कि क्या कंडीशन रह चुकी है गाड़ी की। सो मैं आप लोगों को चेक कराया तो आप गाड़ी कंडीशन देख सकते हो कि फ्रेंड्स क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक और बात बताऊंगा कि मैं मारुति वैगनार से खुश भी हूं और मारुति से मैं खुश नहीं भी हूं। मैं आपको ये दोनों पॉइंट बताऊंगा कि मैं इसके अंदर खुश क्यों हूं और खुश नहीं हूं वैगनार के अंदर 2007 मॉडल में। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले हम एक बार इस गाड़ी का रिव्यू पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर कि कहां कहां से मेरे को वैगनार नहीं अच्छी लगी और क्यों मेरे को वैगनार सही भी लगी। सो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अगर हम रियर प्रोफाइल में देखते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऊपर देखने को हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, इस पर आपको कोई वॉशर डिफोगर कुछ नहीं देखने को मिलता था। और इधर आपको मारुति सुजुकी का बैच देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इधर आपको वैगनार प्लस आपको LXi की बैच देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके रियर टेल लाइट की बात करेंगे, सो रियर टेल लाइट के अंदर आपको अपर पोर्शन में, सो फ्रेंड्स एक तो रियर टेल लाइट की सबसे पहली मतलब इसके जो टेल लाइट के जो साइज है फ्रेंड्स, वो बहुत ही बड़ा है। सो अब हम सबसे पहले इसके बात करते हैं, अगर इसके अंदर हम लैंप्स की बात करते हैं, सो फ्रेंड्स एक तो इसके अंदर लैंप्स जितने भी हैं वो सारे हमें हैलोजन यूज़ किए गए हैं। अपर पोर्शन में हमें इसमें सबसे पहले देखने को फ्रेंड्स इंडिकेटर रिवर्स देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, मिडल में हमें ब्रेक लाइट देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स, नीचे लोअर पोर्शन के अंदर हमें देखने को इंडिकेटर मिल जाता है। और उसके नीचे फ्रेंड्स हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो। सो अब हम बात करते हैं गाड़ी के क्या डिसएडवांटेज थे और क्या एडवांटेज। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा था कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर रन कर चुकी है, वो अभी आप लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो मैं आप लोगों को एक बार चेक कराता हूँ कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर रन कर चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये लमसम 2.5 लाख किलोमीटर रन कर चुकी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। सो अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके अंदर एडवांटेज क्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि गाड़ी जो इतने किलोमीटर हमारे साथ चल चुकी है, मतलब गाड़ी की लाइफ सही थी। और जैसे कि मतलब मेन मैं आप लोगों को मोटिव बता दूं कि क्या होता है, जैसे ये गाड़ी अब आप देख रहे हो कि 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, लमसम 2.5 लाख। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप टाइम टू टाइम गाड़ी की चेकअप कराते हो, गाड़ी की सर्विस करवाते रहते हो, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं रहता। और आप मतलब बात होती है मेन सारी गाड़ी चलाने के ऊपर कि गाड़ी कैसे चला रहा है बंदा, कौन चला रहा है। सो गाड़ी का मैं सही बताऊं, पहला मेरे को और बस जो मेन बेस्ट वो लगा पॉइंट, सो फ्रेंड्स वो यही है कि गाड़ी इतने ज्यादा किलोमीटर रन कर गई हमारे साथ और अभी तक इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम इसके सेकंड एडवांटेज की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार ये आप लोगों को इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार इसका गाड़ी का बूट स्पेस चेक कराता हूँ कि इसके अंदर बूट स्पेस हमें कितना ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलता है। सो आइए फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको इसका बूट स्पेस चेक कराता हूँ। वैसे तो इसका बूट स्पेस का ऑप्शन यहाँ से भी है, बट वो अड़ा हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर कहीं डिसएडवांटेज है। सो हम वो डिसएडवांटेज वहीं से ही आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये हमें यहीं से खोलनी पड़ेगी। सो अभी हम बात करें एडवांटेज की। सो आप लोग इसका बूट स्पेस चेक कर सकते हो, इसका बूट स्पेस। सो फ्रेंड्स, सेकंड जो मतलब एडवांटेज है वो फ्रेंड्स ये, इसका बूट स्पेस हमें बहुत बेटर बूट स्पेस देखने को मिलता है। हम लोग अगर बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, कितने कैपेसिटी का बूट स्पेस है, सो फ्रेंड्स ये 341 लीटर का हमें बूट स्पेस देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगर इसके
फ्यूल टैंक की। सो फ्रेंड्स आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है वो आपको पैसेंजर साइड देखने को मिलता है, और वो कितने कैपेसिटी का है फ्रेंड्स, वो 32 लीटर का हमें फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स इसके अंदर अगर देखा जाए, ये जो ट्रे आप देख रहे हो ये फ्रेंड्स आफ्टर मार्केट है, ये स्पीकर्स के रिगार्डिंग लगाई गई थी, ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है। सो अब मैं इसके अंदर अगर थर्ड एडवांटेज की बात करता हूँ, सो फ्रेंड्स थर्ड एडवांटेज ये है कि इसके अंदर अगर हम स्पेस की बात करें, सो फ्रेंड्स आप लोग खुद स्पेस चेक कर सकते हो गाड़ी के अंदर, फ्रेंड्स स्पेस सही था, मतलब कि फैमिली कार है सो स्पेस वो वाली। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि जो ड्राइवर साइड की सीट है फ्रेंड्स वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, 6 फीट मेरी हाइट है। सो फ्रेंड्स मेरे को इसलिए थोड़ी पीछे करके रखनी पड़ी फ्रेंड्स, वैसे नॉर्मली जो सीट होती है वो ये। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार बैठ के भी जैसे दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें नी स्पेस कितना देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स हमें जो नी स्पेस देखने को मिलता है वो हमें इतना देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स मेरी जो हाइट है वो 6 फीट हाइट है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि मेरी 6 फीट हाइट स्पेस देखने को मिलता है, वो हम इतना नी स्पेस देखने को मिलता है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। सो फ्रेंड्स मेरी 6 फीट हाइट है, सो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो नी स्पेस। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमें कोई हम्प वगैरह, सो फ्रेंड्स मुझे यही बात बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर हमें कोई हम्प देखने को मिलता है, हमें फ्लैट बॉटम देखने को मिलता है। सो इसके अंदर मतलब 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसके अंदर मुझे बेस्ट फीचर एक और लगा कि फ्रेंड्स इसके अंदर जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, ना कि फिक्स्ड है। सो फ्रेंड्स इसके अंदर जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट ऊपर अप भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो। सो मुझे ये फीचर बहुत बढ़िया लगा। और फ्रेंड्स मेरे को इसके अंदर सबसे बढ़िया जो एक और बेस्ट फीचर लगा, मतलब कि सही है वो फीचर, वो ये है कि जो इसकी आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स आप पोर्शन देख सकते हो विंड पोर्शन कि कितना बेस्ट है, कि जो मतलब जो रियर में बैठे हैं वो कितने तरीके से इंजॉय कर सकते हैं पीछे बैठ के, मतलब उनको ऐसा नहीं लगेगा कि दम घुट रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। सो एक मुझे ये भी सही लगा कि इसके अंदर कि हम पीछे बैठे और हमें ऐसे दबा दबा सा लग रहा है कि यार जगह कम है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हो कि कितना छोटा शीशा, मैं एक बारी आपको अंदर बैठ के भी दिखाऊंगा, और ऐसे ही फ्रंट में है। सो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमें कितना वाइट देखने को मिलता है। सो आप लोग देख सकते हो, सो फ्रेंड्स हमें इतना वाइट देखने को मिलता है। हम बात करते हैं हमारी फ्रंट पोजीशन की। सो फ्रेंड्स हम एक बार आपको मैं फ्रंट में मिलता हूँ। सो हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको फ्रंट में एक बार बताता हूँ कि मेरे को इसमें हमें फ्रंट में क्या क्या देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स इंटीरियर में हमें जो देखने को मिलता है फ्रंट कैबिन के अंदर, वो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है फ्रेंड्स हॉर्न। सो स्टेयरिंग आप देख सकते हो, हमें ये 3-स्पोक स्टेयरिंग देखने को मिलता है, नीचे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग नहीं है फ्रेंड्स। इस साइड हमें हेडलाइट से कंट्रोल प्लस हमें इंडिकेटर कंट्रोल देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम एक सेकंड हम अगर इस बात करते हैं, और फ्रेंड्स इस साइड हमें देखने को वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगर हम सेंटर कंसोल की बात करते हैं, सो फ्रेंड्स सेंटर कंसोल के अंदर हमें यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इस साइड फ्रेंड्स हमें एसी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स इधर आप देख सकते हो हमें स्टीरियो देखने को मिल जाता है। इधर फ्रेंड्स हमें थोड़ी सी एस्ट्रे देखने को मिल जाती है, और इधर हमें लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है, बट फ्रेंड्स वो अवेलेबल नहीं है। सो इधर हमें कप होल्डर देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गियर लीवर की, सो फ्रेंड्स ये आपको 5 गियर ट्रांसमिशन देखने को आपको, सो फ्रेंड्स ये आपको 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको गियर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। इस साइड आपको 4 पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपकी गाड़ी में पावर विंडो है तो फ्रेंड्स इधर आप पावर विंडो के कंट्रोल्स लगवा सकते हो। इधर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है। अब ऐसी अगर हम बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, सो फ्रेंड्स एक तो आपको स्पेस इधर देखने को मिल जाता है, जैसे मैंने आप अपनी चीज रख रखी है। सो फ्रेंड्स एक ग्लव बॉक्स आपको इधर देखने को मिल जाता है, सो थोड़ा मैसी हुआ है। सो एक इधर आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, जैसे वाटर बॉटल हो, आपने वाटर बॉटल रख दिया या कुछ रख दिया, सो आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की, सो फ्रेंड्स बिल्कुल सेंटर में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलते हैं। इस साइड आपको किलोमीटर देखने को मिलते हैं, कितने किलोमीटर कार रन कर चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये ट्रिप 1 ट्रिप 2। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रिप देखने को मिल जाती है गाड़ी के अंदर। सो आप लोग खुद चेक कर सकते हो कि इधर आपको ट्रिप देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स, इस साइड आपको किलोमीटर देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम ऐसी बात करते हैं कि इधर हमें फ्यूल वगैरह का देखने को मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स इस साइड हमें इंजन टेम्परेचर देखने को मिल जाता है कि गाड़ी के अंदर गाड़ी कितनी हीट हो गई है, कितना टेम्परेचर है इंजन का, जैसे ये गणपति बापा मोरिया। सो फ्रेंड्स हम IRVM की बात करते हैं, सो IRVM आपको मैनुअली देखने को मिलता था जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स ये IRVM आपको मैनुअली देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स इधर आपको हेडलाइट, सो इधर आपको केबिन लाइट देखने को मिलती है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि केबिन लाइट आप देख रहे हो इसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब मिलता है। अब जैसे मेरा डोर थोड़ा सा ओपन है सो ये लाइट जलती रहेगी, डोर पे भी है और उसके अलावा भी है। हम बात करते हैं वैनिटी मिरर की, सो फ्रेंड्स इधर आपको वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलता, इधर आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स इस साइड भी आपको वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है इस मॉडल के अंदर। सो फ्रेंड्स ये LXI मॉडल है। अब हम बात करें इस साइड, सो फ्रेंड्स आपको एसी वेंट देखने को मिलता है ड्राइवर साइड में, इधर आपको हेडलाइट का बीम सेट करने का ऑप्शन मिलता है। सो फ्रेंड्स इस साइड आपको एक कप होल्डर देखने को मिलता है, इधर आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाता है कॉइन्स वगैरह रखने को। और फ्रेंड्स जो इसका जो मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ कि फ्रेंड्स जो इसके जो आपको डोर पैनल देखने को मिलता है वो फ्रेंड्स कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि आप लोग देख रहे हो।
सो फ्रेंड्स इसमें भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रखने को मिल जाता है, जैसे कि हम न्यूज़पेपर रख सकते हैं, यहाँ पे कोई पेपर्स रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, सो आपको देखने मिल जाता है। आपको ग्रैप हैंडल देखने को मिल जाता है और ये सारा फ्रेंड्स प्लास्टिक है और इसमें आपको कोई वो ऑटोमेटिक पावर विंडो नहीं मिलती। फ्रेंड्स इसमें आपको कोई पावर विंडो देखने को नहीं मिलती, इसमें आपको मैनुअली पावर विंडो देखने को मिलती है। इधर आपको थोड़ा सा लेदर इधर आपको थोड़ा सा फैब्रिक स्टिच में देखने को मिलता है और फ्रेंड्स ये बाकी सारा प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज मैं आपको गाड़ी के बाहर मिलकर बताता हूँ। फ्रेंड्स इसका जो पहला डिसएडवांटेज वो है, फ्रेंड्स इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये गाड़ी इसके गाड़ी के अंदर बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स ये 70 से 80 की स्पीड पे गाड़ी बाउंस राइड मारती है अगर गाड़ी खाली है। फ्रेंड्स अगर इसके अंदर 5 जने बैठे हैं तो बॉडी रोल थोड़ा कम हो जाता है, बट वैसे अगर इसके अंदर 2 या 3 जने हैं तो फ्रेंड्स बॉडी रोल पूरा फील होता है कि बॉडी रोल है। और तीसरे अगर फ्रेंड्स हम इसके सेकंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं, फ्रेंड्स इसके सेकंड डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स ये है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। मैं एक बार आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस चेक करते हैं, इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस इसका इसके अंदर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। फ्रेंड्स मैं इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस की एक और बात बताऊं, वो ये है कि जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हो, ये देखो बताओ ग्राउंड क्लियरेंस। फ्रेंड्स ये गाड़ी जैसे कि रोड्स होती है सिंपल, मैं आपको एक बार क्लियरली चेक कराता हूँ। फ्रेंड्स ये ना लग जाती है नीचे से, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये देखो आप 15 साल इस गाड़ी को हो गया, पेंट आप लोग चेक कर सकते हो, मैं आपको एक बार क्वालिटी चेक कराता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स ये, और एक और डिसएडवांटेज की बात करूँ, चलो फ्रेंड्स ये तो डिसएडवांटेज में खैर ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, हेडलाइट्स तो ये हो जाते हैं ऐसे येलो उसमें आ जाते हैं, आप लोग चेक कर सकते हो, ये चीज़ तो अलग है। अब ये देखो फ्रेंड्स बम्पर का पेंट, ये देखो। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स वो ये है कि जब हम इस गाड़ी को मतलब मैंने जो अभी इसके अंदर एक और प्रॉब्लम फेस करी है वो ये करी है कि फ्रेंड्स इसकी जो मोटर्स होती है ना डोर्स की, जैसे रियर डोर्स है फ्रेंड्स, इसकी मोटर खराब हो गए थे, दरवाजे बंद करने के बाद बाहर से खुले ही नहीं, अंदर फैमिली थी। फ्रेंड्स वो एक मेन इशू हो गया था निकलना, और जब वो निकल गए थे फ्रेंड्स इसका जब उन्होंने गाड़ी बंद करी, फिर दोबारा वही दिक्कत होगी, फिर दोबारा डोर्स ही नहीं ओपन हुए ना अंदर से ना बाहर से। फ्रेंड्स वो डोर्स लॉक्ड हो गए थे, ना कि वो चाइल्ड सेफ्टी लॉक था। और आप लोग एक और ये चीज़ चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, ये देखो। डिसएडवांटेज तो खैर मैंने आप लोगों को मैक्सिमम बताई दी है, और बाकी जैसे आप लोग ओवरऑल क्वालिटी आप ओवरऑल वीडियो चेक कर ही सकते हो कि गाड़ी के अंदर क्या क्या इशू रह चुके हैं। अगर आप लोगों के पास वैगनर है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि वैगनर के अंदर कौन कौन सी आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी और कौन सी नहीं करी। एक फ्रेंड्स इसके अंदर जो इंजन नॉइस है वो केबिन के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से आती है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इंजन नॉइस गाड़ी के अंदर है ही नहीं, वो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया तरीके से इंजन नॉइस आती है। और रोड नॉइस जो होती है फ्रेंड्स वो भी बहुत बेटर आती है, मतलब बहुत ज़्यादा आती है। मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे हम गाड़ी को चला रहे होते तो फिर उसके अंदर फ्रेंड आवाज़ आती है। और इसके अंदर मेरे को एक और दिक्कत लगी, वो पता नहीं कहाँ से टक 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 सी आवाज़ें आती हैं फ्रेंड्स, पता नहीं लगता हूँ, मैं आपको ना एक बार चेक करके और ड्राइव करके बताऊँगा कि वो कहाँ से आती है। फ्रेंड्स वो मेरे को लगता है शायद यहाँ से आती है वो, इसके ना यहाँ से कहीं से शायद इसकी हो सकती है। और अगर आप लोगों के पास भी वैगनर तो आप मेरे को जरूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस जरूर मेरे को शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं इसके एवरेज की, और इसके अलावा इस मतलब हमें क्या माइलेज दे रही है गाड़ी, और मैंने क्या देखा इसके अंदर कितना है, इसके कितने सीसी का इंजन है और कितनी टॉर्क देता है, क्या इसकी पीएस है। अब हम बात करते हैं उसके बारे में। हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, इंजन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स इंजन जो आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर वो आपको 1000 cc का इंजन देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 3 cylinder आपको इंजन देखने को मिलता है जो कि पीएस प्रोड्यूस करता है। फ्रेंड्स जो कि गाड़ी पीएस प्रोड्यूस करती है वो करती है 67 पीएस प्रोड्यूस करती है। और जो इसका जो हमें टॉर्क देखने को मिलता है फ्रेंड्स वो हमें मिलता है 84 Nm का हमें टॉर्क देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स ये 5-seater कार है, मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको कार देखने को मिलती है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में, सीटिंग इसके अंदर 5 seats है, 5 members इसके अंदर ईजिली बैठ सकते हैं, मतलब ईजिली तो नहीं ईजिली बैठ सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, फ्रेंड्स इसके अंदर कोई एयरबैग आपको नहीं मिलता देखने को। ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, मेरा ओनरशिप अपना खुद का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।